अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू एनी व्लॉग। कैसे हैं सब दोस्त? उम्मीद करता हूं सब दोस्त ठीक होंगे। थोड़ा सा निज़ाम मेरा उल्टा हो गया होगा, आप अभी देख सकते हैं। ये देखिए, ये भी केज हाली, ये भी हाली, ये भी हाली, ये भी हाली, ये चारों बस बड़े हुए हैं। जो बड़े केज हैं मेरे, ये बड़े हुए हैं। इसके अलावा ये देखिए जी, पिंजरा मेरा नीचे बड़ा हुआ है। ये वाला पिंजरा ऊपर था, आपने देखा होगा, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए हैं, काफ़ी दिन ही, तीन चार दिन हो गए। ये पिंजरा उतार लिया हुआ है, एक पीस ये है, एक पीस नीचे, वो भी चल के नीचे आपको मैं दिखाता हूँ। मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं लगी है, इस ये पड़ा हुआ, एक पीस नीचे पड़ा हुआ। और इसके अलावा जो मेरे तोते थे ऊपर, सब तोते, एक तोते मैंने पकड़ी थी, वो मैं नीचे ले गया हूँ। उसके बाद जो मोर था हमारा, वो ऊपर ले आया हुआ, बाकी नीचे चल के आपको मैं दिखाता हूँ। यार क्या निज़ाम मेरा, गलत हो गया। ये देखिए, ये मोर इधर आ गया हुआ है, और बाकी मुर्गियाँ वगैरह कुछ भी नहीं आए थे नीचे। चल के आपको मैं सब कुछ दिखाता हूँ। ये मुर्गी इधर है, बाकी खुमड़े वगैरह भी इधर हैं। इसके अलावा ये देखे जी, ये कबूतर वगैरह हैं, और ये ऑस्ट्रेलियन तोते वगैरह भी। आजकल इनके ऊपर मैं ध्यान वगैरह भी नहीं दे रहा है, तो चलते हैं नीचे। नीचे चल के आपको मैं नीचे वाली कंडीशन चेक करवाता हूँ। ये देखे जी, ये पिंजरा है जो हमने अपने पुराने पिंजरे के ऊपर नया पिंजरा बनवा के लगाया था। ये वाला जिसके साथ कबूतर वगैरह पकड़ था, वो थे जी सब तोते जो अपने ऊपर पड़े के अंदर थे। और ये वाला जोड़ा यार मैंने एक रखना है, ये वाला तोती है, और वो वाला तोता, ये जोड़ा अपना मैं लैदा करूँगा, और बाकी सारे हम मिक्स कर देंगे। बेशक इसी केज मेरे वो वाला जोड़ा हम लैदा रखें, क्योंकि वो बच्चे अंडे वाला जोड़ा मेरा बन गया है, अपना मतलब के जोड़ा लग गया हुआ मेरा। तो ये मेरे पास इस टाइम पाँच तीन तोते हैं। और तोतों को देखिए, गाड़ी देखिए कितनी प्यारी लग रही है, तीनों को गाड़ी डली हुई है, तोतियों को नहीं है। तो दाना वगैरह इनको मैं डाल रहा हूँ, बाजरा छली भी डाली हुई है। ये भी केज करते हैं बंद। ये केज में मेरे ऑस्ट्रेलियन तोते भी आए हैं, सब तोते भी आए थे, खुमड़े भी आए हैं, बहुत काम आया ये वाला मेरा। तो इसके अलावा ये आज देखें, इधर जो केज बना हुआ हमारा, आपने देखा होगा, इधर एक दरवाज़ा ला के इस साइड पे ग्रिल थी, केज था एक छोटा सा खरगोश जिसके अंदर मैंने रखे हुए थे। 12 बजे इधर आता हूँ, उससे पहले बाबा ने ये तोड़ दिया हुआ था। इधर सुरंग थी खरगोशों की, इधर से सुरंग जाती थी इस साइड पर, काफ़ी लंबी सुरंग थी। ये भी हमारा क्लियर हो गया। और इसके अलावा इस कमरे में थी मेरी मुर्गियाँ, ये देखें जी, इस कमरे में मेरी मुर्गियाँ थी। और ये देखें उन्होंने क्या किया जी, चेक करें आप, ये पूरे कमरे के अंदर मेरी मुर्गियाँ थी। मुर्गी भी पापा ने सेल कर दी हैं, तितरियाँ भी पापा ने सेल कर दी हैं। और इसके अलावा बतकें थी, सील मुर्गा था, मुर्गी थी, सब कुछ इन्होंने दे दिया। पहले इधर कबूतर थे, अब देखे क्या हो गया। और ये देखे थे सीमेंट के तोड़े वगैरह पड़े हुए हैं, गाय का सारा सामान पड़ा है, चोखर, तूरी, बंडा, चने वगैरह, पता नहीं। ये देखे जी, ये घोड़ी के चने वगैरह हैं, ठीक है। ये तूरी, ये काठी पड़ी हुई है, ये देखे जी घोड़ी काठी है, ये सीट है, एक वो है, दो ये हम नहीं ले गए, वो पुरानी अपने हमने दो से मंगवाई है। और ये सीट डालने से पहले डाला जाता है। केज मेरा खाली पड़ा हुआ है, वो भी केज खाली पड़ा हुआ था। एक टाइम था हमारे पास जानवर ज़्यादा थे, केज नहीं था। अब एक टाइम है जानवर नहीं है, केज काफ़ी ज़्यादा पड़े हुए, ऊपर भी चार पड़े हुए हैं, वो बड़े बड़े भी चार आपने देखे होंगे, बड़े हुए हैं, मतलब कि इतने बड़े केज में छोटा सा मोर रखा हुआ है। मोर के लिए लैदा भी हम बना सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल जानवर कम है, और मेरे केज वगैरह काफ़ी ज़्यादा बने हुए हैं। ये हमारी जुबान में से बागे वगैरह कहते हैं, पता नहीं, शायद यही कहते हैं। ये घोड़े के मुंह के अंदर डाल के ना, फिर जब ऊपर बैठते हैं रस्सी पकड़ते हैं, ये वो चीज़ है। दूसरे वेली चलते हैं, अब चलते हैं, जगह बहुत खाली सी हो गई हुई है यार, मज़ा नहीं आ रहा है, पता नहीं क्यों, क्योंकि इतने ज़्यादा पैसे लगाए थे मैंने, 4-5 लाख रुपये मैंने लगा दिया, लेकिन अभी फिर भी व्यूज़ इतने थे, 150 व्यूज़ 150 व्यूज़ एक दिन में आता था। इतने ज़्यादा जानवर भी लेके आए, पिंजरा भी मैंने लगाया, काफ़ी कुछ लेके आए, आपने देखा होगा, लेकिन वो रिजल्ट नहीं आया जो मैं सोच रहा था। लेकिन कोई बात नहीं, व्लॉगिंग छोड़ेंगे नहीं, करेंगे, बेशक अपनी लाइन थोड़ी सी चेंज करें, ब्लॉगिंग जरूर करेंगे, ठीक है। तो अब जल्दी से चलते हैं। ये बांस लेके आए थे यार, इधर हम नई झोंपड़ी बनाने लगे गाय के लिए, क्योंकि ये सारी खराब हो गई हुई है, तो ये बनाने लगे, इसलिए बांस मंगवाए थे ली बहनी सुबह। ये बांस काटे हैं, वो देखे जी ऊपर से, तो हमने पूरा साइज रख के फिर ये काटे हैं, तो किसी दिन ये भी उतारेंगे सारा, ये उतार के और नई इसकी झोंपड़ी बनाएंगे, ताकि बारिश वगैरह आए, गीला ना हुआ है काम, ठीक है। तो अब जल्दी से दूसरे वेली चलते हैं, आस भाई मेरे साथ आ गए, जाके आपको मैं गोड़ी वगैरह चेक करवा उधर जाके, आज सब चलें, चलो चलन जी, आ गए दूसरी हवेली, हम आ गए हैं। हाँ भाई, थोड़ा सा बंद कर दो, थोड़ा बंद कर दो यार, कुंडी ला दें, कोई आया ना। तो ये अब सबसे पहले आपको मैं दिखा दो, ये बकरी हमने ली थी, काफ़ी दिन हो गए, इसका भी मैंने व्लॉग नहीं था बनाया है, क्योंकि अब दिल ही नहीं करता व्लॉग बनाने का, रिजल्ट नहीं आता है, फिर दिल नहीं करता है। तो ये बकरी ली थी यार, माशाल्लाह काफ़ी अच्छी बकरी है, प्यारी बकरी है। दूसरी साइड पर गोड़िया साहब कांटा पुधारा, नहीं बुआ नहीं खोले जी, टपने आइयो फिर, चलो जी चल, मैं ही पाल लेना भाई, चल। ये आ गए हम दूसरी हवेली, हवेली वो बड़ी, ये बड़ी जगह किसी को किसी और के वो बड़ी अपनी है। ये हमने घोड़ी लिया जी, माशाल्लाह ब्लैक कलर की, बहुत ज़्यादा शौक था इसका, और ये मंगवाई हुई है। अरे भाई पकड़ते इसका मुँह, हैं ये पकड़ो, एक मोबाइल पकड़ो, मोबाइल पकड़ो। ये वाली घोड़ी ली हुई है जी, ये तकरीबन 15 से 20 दिन हो गए, इसका भी व्लॉग नहीं था बनाया हुआ, और मैं सोचा यार आज बनाए देते हैं, काफ़ी दोस्त कह रहे हैं व्लॉग नहीं बना रहे, घोड़ी ले ली हुई है, सब लोगों ने वीडियो वगैरह डाली है, तुम आप व्लॉग बना रहे हो, लेकिन थोड़ा लेट हो गया हुआ था, अब मैंने बनाया। ये देखे जी अपनी, माशाल्लाह कहती कुछ भी नहीं है, सील है बिल्कुल, इसको बाहर भी लेके जाएंगे बाघ के अंदर। ये वाली घोड़ी है जी, चलो